हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में लॉकडाउन पूरी तरह से बंद रहेगा बाजार। शहर में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों और मौतों को देखते हुए एक बार फिर से शनिवार व रविवार का वीकेंड लॉकडाउन शुरू किया गया है। शनिवार को प्रथम दिन लॉकडाउन के कारण लोग घरों में रहे और अधिकांश सड़कें सूनी दिखाई दी। सभी बाजार कुछ एक दुकानों को छोड़ पूरी तरह से बंद रहे। सड़कों पर आवागमन बहुत सीमित नजर आया। कई चौराहों पर पुलिस ने लोगों को वापस भेजा। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस, जिला व नगर निगम प्रशासन स्वयं सड़कों पर उतर आया। लॉकडाउन 28 सितंबर को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं पहले लागू लॉकडाउन के सामान ही जारी रहेगी। सूर्य नगरी में विकराल रूप धारण कर चुके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू 2 दिवसीय लॉकडाउन आज से शुरू हुआ। लॉकडाउन का पहला दिन अच्छा प्रभाव नजर आया। लॉकडाउन के कारण आज शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बीच में यदा कदा कुछ वाहनों का शोर सुनाई दे रहा था। सड़कों पर पुलिस ने मोर्चा संभाले रखा। विभिन्न चौराहों पर खड़ी पुलिस वहां से निकलने वाले लोगों को रोककर पूछताछ कर रही थी। साथ ही वहां से आने वाले वाहन चालकों व राहगीरों से घरों में रहने के लिए समझाइश भी की। वहीं बाजार पूरी तरह से बंद रहे। आवश्यक वस्तुओं की कुछ एक दुकानें अवश्य खुली रही। बता दें कि कोरोना संक्रमण शहर में तेजी से बढ़ रहा है। वीकेंड के तहत शहर में शुक्रवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लग गया था। आज सुबह लॉकडाउन का असर पूरी तरह देखने को मिला। रोजमर्रा के काम पर भी बैरक लग गया। इसमें लोगों का भी भरपूर सहयोग मिला। आम दिनों की तरह आज दुपहिया वाहनों की चहल पहल दिखाई नहीं दी। लगातार आप लोगों का सहयोग रहा है पुलिस को, और आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता तक पहुँचते रहे हैं। और इसी क्रम में आज ये जो वीकेंड पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जोधपुर में, उसको लेकर पुलिस का, प्रशासन का, नगर निगम का रूट मार्च था। जनता को यही संदेश है कि अब तो आप लोग सब समझ गए हैं कि मास्क लगाना है। मास्क आप लोग कैरी भी करते हैं बट उसका सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको ठुड्डी पे लगाना, पॉकेट में रख लेना, पुलिस को देख के लगाना, ये जो बातें, इससे वो ऊपर उठना होगा। अपनी जीवन रक्षा और समाज की जीवन रक्षा के लिए इनकी पालना आप करें, यही संदेश देने का प्रयास है। और इस चेन को स्लो करने का भी ये प्रयास है वीकेंड पे जो रिस्ट्रिक्शन। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।